हेलो दोस्तों, मैं हूँ विवेक कुमार और स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि अपना होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैसे चालू कर सकते हैं, लेकिन मैंने बजट के बारे में नहीं बताया था। तो आज मैं बजट के बारे में बताने वाला हूँ कि कितना बजट इसमें लग सकता है। तो अगर आपके पास पहले से कंप्यूटर कोई है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो बहुत ही कम आपको लागत इसमें लगाना पड़ेगा। तब आपको केवल ऑडियो इंटरफेस लेना होगा और माइक्रोफोन, हेडफोन बस। और रूम के लिए जो है कि अपना रूम जो जिसमें आप चालू कर रहे हैं वो रूम हर तरफ से बंद हो, मतलब उसमें रोशनदान, खिड़की ये सब ना हो। अगर हो भी तो उसे पैक करा दीजिए। तो और उसके बाद उसमें पूरा चारों तरफ कपड़ा लगा दीजिए हर तरफ, ताकि वो साउंड टकरा कर दीवार से या फर्श से वापस ना आए। इको प्रूफ रूम हो जाएगा वैसे। फिर उसके बाद आप उसमें चालू कर सकते हैं अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और ऑडियो इंटरफेस जो आपको मिलेगा 5-6 हज़ार के रेंज में, ठीक, मतलब अच्छा मिल जाएगा ऑडियो इंटरफेस, जिसमें कि इनपुट होगा, आउटपुट होगा, माइक कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन, होम थिएटर या कोई भी साउंड सिस्टम आप कनेक्ट कर सकते हैं उससे, और यूएसबी से वो कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद चाहिए एक कंडेंसर माइक्रोफोन, जो कि आपको अमेजोन पर मिल जाएगा 1400-1500 के रेंज में, एक पॉप फिल्टर और एक स्टैंड भी 400-500 के रेंज में आपको मिल जाएगा। स्टैंड आपको किसी अपने आसपास के दुकान पे ही आपको मिल जाएगा स्टैंड। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें। मैंने कोशिश ये किया है कि आपको कम से कम बजट में बता सकूं कि कम से कम कितने बजट में आप चालू कर सकते हैं। वैसे चाहें तो आपके पास अगर बजट ज़्यादा है तो ज़्यादा बजट में भी चालू कर सकते हैं, जैसे कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये सब। तो बजट के अनुसार आप अपना स्टूडियो चालू कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो बजट है इसे चालू करने के लिए वो मैंने इसमें बताया है। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो केवल 10 हज़ार में आप चालू कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप, अगर आपके पास बजट कम है लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए, तो आप सेकेंड हैंड उसे ले सकते हैं, 8,000-10,000 में आपको मिल जाएगा। और कम से कम ये ड्यूअल कोर होना चाहिए, 4GB रैम होना चाहिए। अगर आप ट्रैक बनाना जानते हैं तो सही है, और नहीं जानते हैं तो आप FL स्टूडियो के का को मतलब सीख सकते हैं। आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं। अगर फिर भी आप सीख नहीं पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आपको ट्रैक किया सकता है, तो आप किसी भी स्टूडियो वालों से संपर्क करके आप ट्रैक खरीद सकते हैं और अपने गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य सिंगर के गाने रिकॉर्ड करके पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो थैंक यू।